44 साल की उम्र में निकाह करने पर जमकर ट्रोल हुई राखी सावंत। लोगों ने राखी की शादी को बताया ड्रामा, कहा थोड़े दिनों बाद टूट जाएगी शादी। वेल क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी की इस रिपोर्ट में। वेल कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत ने एक बार फिर शादी करके फैंस को सरप्राइज किया है। राखी ने 7 महीने पहले ही अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान दुरानी से निकाह किया था। राखी ने गुपचुप शादी कर फैंस को चौंका दिया है। एक्ट्रेस ने बुधवार को इंस्टा पर शादी की तस्वीरें वीडियो के साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी शेयर की है, जिसके बाद अब लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वेल, राखी की शादी तो हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उनके मज़े ले रहे हैं। कई लोगों ने राखी की शादी को उनका नया ड्रामा बताया है। आपको बता दें कि राखी ने आदिल को वरमाला पहनाते हुए शादी का वीडियो शेयर किया है। इसमें एक्ट्रेस की एक्साइटमेंट देखते ही बनती है। अपने सपनों के राजकुमार के साथ शादी कर राखी की खुशी का ठिकाना नहीं है। सोशल मीडिया पर फैंस कपल को शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई लोग हैं जो एंटरटेनमेंट क्वीन राखी को ट्रोल भी कर रहे हैं। कई लोगों ने राखी की शादी का मजाक उड़ाया है और इस वेडिंग को फ्रॉड कहा है। आपको बता दें कि राखी सावंत ने कल कहा था कि उन्होंने शादी की बात इसलिए शेयर की क्योंकि आदिल खान उन्हें धोखा दे रहे थे और उनका चक्कर किसी बिग बॉस मराठी की लड़की के साथ चल रहा है। ऐसे में उन्होंने इसके बारे में जानकारी दे दी। वहीं राखी के इस बयान के बाद लोग ये कहने लगे कि राखी का लव जिहाद हो गया। अब ऐसे में जिस तरह से राखी ने आदिल के साथ अपने निकाह की वीडियो शेयर की है, उस पर अब लोगों के जमकर कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने राखी को लिमिट क्रॉस नहीं करने की नसीहत दी है, राखी की शादी को लव जिहाद बताया, तो किसी ने राखी और आदिल के प्यार को अंधा बताया। ज्यादातर यूजर्स को यही लग रहा है कि राखी का ये शादी लंबा नहीं टिकने वाला। वहीं कई लोगों का कहना है कि पैसों के लिए दोनों शादी क्या, बच्चे भी कर लेंगे। कईयों ने आदिल के कपड़ों का मजाक बनाया, तो किसी ने लिखा कि अब ये कौन सा नया टोपी ड्रामा है। तो किसी का कहना है कि अभी कल तो राखी रो रही थी कि माँ बीमार है और यहाँ माँ के बिना शादी कर रही है। अब इन सबके बीच राखी के फैंस ने हेटर्स को भी जवाब दिया है और फैंस को भरोसा है कि राखी की ये शादी चलेगी और वो आदिल के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ इंजॉय करेंगी। वेल, ये तो रही बात फैंस और हेटर्स की, लेकिन राखी का दर्द भी तो सुन लीजिए। राखी ने शादी तो जरूर कर ली, लेकिन वो खुश नहीं है। राखी ने खुलासा किया है कि मजबूरी में उन्हें अपनी शादी दुनिया के सामने रिवील करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें शक है कि आदिल का अफेयर चल रहा है। राखी को लगता है कि आदिल उन्हें धोखा दे रहे हैं। राखी जहां शादी के बाद सभी सबूत पेश कर रही हैं, तो वहीं आदिल इस शादी को मानने से इनकार कर रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये शादी किस अंजाम पर पहुंचती है। आपको बता दें कि इससे पहले राखी सावंत ने रितेश के साथ शादी की बात कही थी। हालांकि उन्होंने रितेश के बारे में कभी खुलासा नहीं किया था जब तक वो बिग बॉस के घर में नहीं गई, और बिग बॉस में भी लोगों को राखी की बातें झूठी लगती थी। लेकिन जब खुद रितेश आए, तब लोगों को यकीन हुआ कि रितेश ने राखी से शादी की है। हालांकि ये शादी भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि रितेश की पहले से ही एक शादी हो चुकी थी। ऐसे में उसने राखी को छोड़ दिया। वहीं अब राखी ने दूसरी बार आदिल के साथ शादी की है। हालांकि इस शादी की वजह से भी वो कंट्रोवर्सी में आ गई हैं, क्योंकि इससे पहले राखी ने अपना एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपनी माँ की बिगड़ी तबीयत के बारे में बात की थी और साथ ही बताया था कि उनकी माँ को कैंसर के साथ ब्रेन ट्यूमर भी हो गया है। राखी के इस वीडियो के बाद कई लोगों ने कमेंट किया था और उन्हें हिम्मत रखने की बात कही थी। लेकिन एक दिन बाद ही राखी के और आदिल के शादी की बात ने हर किसी को हैरान कर दिया है। और अगर सच बोल रही हैं, तो क्या वाकई आदिल राखी को धोखा दे रहे हैं? वेल, आपको क्या लगता है, हम इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।